हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग की सर्टन कमेंट्स आ रही थी। मैं पहले क्या कर देता हूँ, कमेंट्स दिखा देता हूँ कि सर कोई स्टडी प्लान दिखा दीजिए या तो फिर कोई मोटिवेशनल वीडियोस बना दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो कि खुशी संकला ने मैसेज दिया था, मतलब कमेंट्स पास की थी कि सर एक मोटिवेशनल वीडियोस बना दीजिए क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है। कोई होता मतलब ऐसा नहीं मैं बोलो सब अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहोगे और हाँ अपना जो भी स्टडी का प्लान जो किया है आपने किया रहेगा, बट हाँ यहाँ पे सर्टन बच्चे लोग अभी भी बोले कि सर टाइम टेबल्स दे दो, एक महीने का स्टडी प्लान दे दो। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो कि रिस्पेक्टेड सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी वन मंथ स्ट्रेटेजीज बिफोर 12 कॉमर्स बोर्ड एग्जाम येट नॉट स्टडी एनीथिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट स्पेशली फॉर अकाउंटिंग एसपी। तो यहाँ पे स्पेशली एक मोटिवेशनल वीडियोज बोल सकते हो आप। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज प्लान क्या होगा नेक्स्ट वन मंथ के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर आज खत्म हो चुका है तो कल से आपको जनवरी से क्या करना है, क्या क्या स्टडी प्लान्स हो गए आपके, कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे वन बाय वन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल ये जो कमेंट्स आई थी और मेरा भी जो माइंड थॉट था कि मैं भी एक वीडियो बनाऊ स्टडी प्लान्स पे एंड ऑल, तो यस तो बच्चे लोग ने कमेंट कर दी, तो आपकी कमेंट्स सराखों पे। और यस हम लोग ने देखो यहाँ पे पहले तुम लोग को छोटे सर्टन पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि जो ध्यान में रखने हैं एज अ मोटिवेशनल वीडियोस। आप समझ लो कि जस्ट स्टडी एंड रिवाइज, अभी जो एक महीना होगा आपको ओनली आपको क्या करना है स्टडी 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 पे ही फोकस करना है और क्या करते रहना है रिवाइज करते रहना। बहुत सारे बच्चे लोग ये ऐसे होता है कि हो जाता है कि भाई स्टडी करते रहते हैं और रिविजन भूल जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करोगे तो मेरे हिसाब से इतना सक्सेस नहीं होगा। आपको फेब्रुवरी मंथ पूरा क्या रखना पड़ेगा, ओनली रिवीजन सेशन रखना पड़ेगा, वहां पे आप स्टडी करने नहीं बैठ सकते। अभी भी एक महीना डेढ़ महीना है आपके हाथ में, अभी आज से मैं काउंट करूं, चलो कल से एक तारीख जनवरी से मैं बात करूं तो 21 फरवरी को आपका एग्जाम से, मतलब गिन के आपके पास 30 डेज ये काउंट कर लो, 31 का महीना है इग्नोर मारो फर्स्ट एक दिन, 30 डेज इसको काउंट करो और 20 डेज आपके फेब्रुवरी के काउंट करो, मतलब एग्जैक्ट 50 डेज का आपके पास क्या अपने हाथ में है। एक भी सिंगल डेज अभी वेस्ट नहीं करना है। अगर जिन बच्चों को 90% स्कोर करना है तो 90% स्कोर करना है तो मैं जो स्ट्रेटेजीज बोल रहा हूँ वो स्ट्रेटेजीज क्या करती है फॉलो करते रहिए। आगे आगे मैंने एक टाइम टेबल्स भी बनाया है, मॉर्निंग सेशन जिसका मॉर्निंग कॉलेज रहेगा उसका क्या स्ट्रेटेजीज होगा और जिसका आफ्टरनून सेशन होगा उसका क्या स्ट्रेटेजीज होगा, ये सब चीजें आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, अगर आपने 90 स्कोर कर दिया तो आपका ही बेनिफिट होगा। कल उठ के आप खाली एक ही चीज बोलोगे थैंक यू सो मच और मेरा क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाऊंगा उससे कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने मेरी सुनी और 90% स्कोर क्या किया स्कोर किया बिकॉज ऑफ द वीडियो देख के विदाउट एनी सिंगल फीस। ये आप बोलोगे गारंटी है मेरा कि आफ्टर बोर्ड एग्जाम जब भी रिजल्ट आएगा आपका, बहुत सारे बच्चे लोग हर साल मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, ऐसे भी नहीं कि हवा में बोल देते, स्क्रीनशॉट के साथ उनका रिजल्ट भेजते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच सर कि आपका वीडियोस मैंने देख लिया पहले ही। तो आप सभी फ्रेंड आप सबको रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर, आपके 12th स्टैंडर्ड के जितने भी फ्रेंड्स है ब्रदर्स है सिस्टर्स है जो भी है जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको एक चीज कर लेनी है, सबको मेरी लिंक क्या कर दीजिए फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या मेन, तो देखो पढ़ाई तो आपको बुक्स में से करनी हो सब सिखाते हैं बट कैसे पढ़ना है क्या करना है क्या स्ट्रेटेजीज प्लान होगा ये सब चीजें आपको आज के वाले ब्याज वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा स्टडी करना ही है और हमेशा फोकस करना है रिविजन पे ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड पिक्चर्स है बिलीव यू कैन, मतलब आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आज मैं सीएस बना हूं, नो डाउट हार्ड वर्क किया था मैंने बट एक जो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर बिलीव यू कैन, मतलब मेरे अंदर भरोसा। तो देखो मैं कुछ फर्स्ट में पास नहीं हुआ हूँ, यहाँ पे मेरी तरफदारी करने भी नहीं आया, जस्ट बता रहा हूँ कि तुम लोग का ऐसा अगर फील हो रहा है कि वर्नाक्यूलर स्टूडेंट वाले भी सीएस बड़ी बड़ी डिग्री कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बट अगर आप ठान लो तो, अगर आप में भरोसा है अपने आप पे कि भाई मैं कर सकता हूँ ये चीज, तो फिर कुछ भी हो जाए ना कितनी भी मुसीबत हो जाए तो भी आप करके बताओगे, बट वो कॉन्फिडेंस अपने आप में आना चाहिए, वो हार्डवर्क आपके अंदर होना जरूरी है।
वंस अगेन बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हो, जरा भी टेंशन मत लीजिए। जो बच्चे लोग सोच रहे हैं कि मैं वर्नाक्यूलर मीडियम से आया, मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मैं सीएस भी कर रहा था, मैं सीएस के फाइनल स्टेज में भी था ना, फाइनल एग्जाम भी दे रहा था प्रोफेशनल का, तभी भी मैं डिक्शनरी लेके बैठा था, क्योंकि सर्टेन वर्ड्स आई नो कि भाई वर्नाक्यूलर स्टेडियम स्ट्रीम से आए हो तो भाई जरूरी नहीं कि एवरी इंग्लिश का वर्ड आपको मालूम हो। ट्वेल्थ में तो लिटरली मैंने पूरा डिक्शनरी से, मैंने एसपी स्टूडेंट था तो मेरे को सर्टेन चीजें, इश्यू वर्ड क्या होता है, अलॉटमेंट वर्ड क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, मैंने गूगल पे सर्च करके हिंदी में ट्रांसलेट किया, और मैं गुजराती हूँ, सर्टेन टाइम मुझे हिंदी भी नहीं समझ में आता था कि एग्जैक्टली, क्योंकि प्योर हिंदी में गूगल पे करोगे तो प्योर हिंदी में समझाते, तो अब मैं क्या करता, गुजराती में ट्रांसलेट करता था बाद में कि क्या बोलना चाहता है ये वर्ड। ठीक है, तो हमेशा भरोसा करो अपने आप पे कि भाई आप कर सकते हो, आप अभी भी डिले नहीं हो, मतलब आप पीछे नहीं चल रहे हो, आप 90 स्कोर आज की तारीख से भी कर सकते हो अगर आपने स्टडी प्लान अच्छे से किया है। नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे स्टडी प्लान जो आगे आगे आऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे स्टडी करना है। थोड़ा अभी आपका अदर फोकस जो है, मतलब गेम्स, फ्रेंड सर्कल से साथ मिलना जुलना, मिलो, बट हाँ डिस्कशन जो होगा वो स्टडी पे ही होनी जरूरी है। नेक्स्ट जो फोटो है जो लिख रहा है प्रूव देम रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तभी रॉन्ग प्रूव कर सकते हो जब भी आपका रिजल्ट बोलेगा, और तभी मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फैमिली मेंबर वाले बोलते हैं या तो कोई कजिन्स आ जाते हैं, वो बोलेगा ये क्या करके दिखाएगा, आपको उनको रॉन्ग प्रूफ करना है बेटे। यस, जरा भी अभी अभी सुन के ले लो, हाँ भाई ठीक है चलेगा, हम लोग ठीक है, हम लोग अभी नहीं कर पाए बताए, बट हाँ मेरे टाइम पे भी मेरे सामने बहुत सारे जन आए थे कि जो बोल रहे थे कि ये सीएस कैसे कर पाएगा कि भी नहीं, उसमें दम है कि भी नहीं, आधे पे छोड़ देगा, देखो हार मान जाएगा, बट फाइनली मैंने क्या करना है, अपने आपको प्रूव देम रॉन्ग, आपको प्रूव करके दिखाना कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी भी है, मैं करके बताऊंगा, बट हाँ वो तभी बताओगे जब भी आपका रिजल्ट बोलेगा। आप वर्क देखो, हमेशा स्टडी क्या करना है, साइलेंटली करना है, हमेशा वर्क स्टडी क्या करना है, साइलेंटली करना है, नो डाउट। आपका अपने फ्रेंड से जेलेसी होनी चाहिए, अगर वो 8 घंटा पढ़ रहा है तो अपने माइंड में 10 घंटे का स्ट्रेटेजी प्लान बन जाना चाहिए, मैं उसके ज्यादा ज्यादा कैसे पढ़ू, पर हाँ ऐसे गधे की तरह पढ़ना कि भाई उसका ईगो क्लैश करने के लिए नहीं पढ़ा, मेरा फ्रेंड 8 घंटा पढ़ रहा है तो मैं 10 घंटा पढ़ू, नहीं, हमेशा वर्क क्या करना है, स्मार्ट करना है। भले बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में ही हो गए कि जो 4 घंटा पढ़ के भी 80% लाएगा, ये आपको सुनने को मिलेगा जब भी 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तभी अपने ही फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा शाणा निकलेगा जो क्या करेगा, 4 घंटा पढ़ के भी शाणा 80% लाएगा और तुम लोग 8 घंटा पढ़ के भी 70-75 पे अटकोगे। ये जनरली होता है सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। यस, तो आपको रॉन्ग प्रूफ करना है, यस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फोकस और डिसिप्लिन, फोकस करके रखना है। जो अपना 50 दिन ही है, देखो 50 डेज से एक दिन भी ज्यादा नहीं है, अगर कल से भी काउंट करने बैठू तो 50 डेज ही अपने हाथ में, पूरा फोकस कर दीजिए एग्जाम को। अभी आपके पास माइंड में स्टडी के अलावा और कोई चीजें चलनी नहीं चाहिए, पूरा क्या कर देना है, जान झोंक देना है एग्जाम के अंदर, पूरा जितना भी एनर्जी आप में पूरा फोकस करिए एग्जाम को लेके। उसके बाद आपका टाइम ही टाइम है, आपको जो फील्ड में जाना है आप जा सकते हो, बट ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा जो लाइफ में या करियर का बोल सकते हो आप। यस, तो फोकस रखना अपने आपको, डिस्ट्रैक्ट मत होना, बहुत सारे बच्चे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से। अभी क्या सोशल मीडिया का जमाना है, नो डाउट, सब इंस्टाग्राम फेसबुक पे होते हैं, तो उधर रील्स देखने देखने में आधा पौना घंटा चला जाएगा, मालूम ही नहीं रहेगा। तो प्लीज बच्चे लोग अभी ये सब चीजें नहीं कीजिए, क्योंकि आज से तुम लोग के लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी बोर्ड एग्जाम को लेके। ठीक है, फोकस रखिए और आगे आगे जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा वापस से कमेंट में डालिए कि सर नहीं ये समझ में नहीं है क्या बोले आपने, तो वो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, और ये आई थिंक सो लास्ट फोटो रहेगा, यस लास्ट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट्स योर सक्सेस मेक द नॉइज। जैसे कि मैं तुम लोगों को विजय बोला कि आपको बिलीव, मतलब उनको रॉन्ग प्रूफ करना है, उन लोग को जो बोल रहे हैं कि भाई तू नहीं कर सकता, उनको करके बताना है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, हम लोग को भी कभी कोई टीचर्स ने बोला रहेगा वो टाइम पे जहाँ पे हम लोग बैक बेंचर्स हैं, मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि मैं बैक बेंचर्स हूँ, मेरे को इतना समझ में नहीं, आई एम द एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर। अगर मैं स्कूल सेक्शन की बात करूँ तो मुझे 10th में 68 ही आया था, आप चाहो तो मेरी मार्कशीट में दिखा सकता हूँ, 68 ही आया था, मैं एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। 12th में भी मुझे कोई रिकॉर्ड टारगेट सेट 90-95% नहीं लाया, 73% ही मैंने क्या किया था, स्कोर किया था।
बट उसके बाद जो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड था, 3 साल आपके बाद, अभी बोर्ड एग्जाम के बाद जो आपका 3 साल जो गोल्डन पीरियड हो गए, 13, 14 और 15, आपके एंगल में मैं बोलूं, आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूं कि बीकॉम की डिग्री, आप ओनली बीकॉम की डिग्री पे मत बैठना बच्चे लोग, आपको हाथ जोड़ के यहाँ पे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बच्चे लोग बीकॉम की डिग्री पे अगर बैठ गए कि भाई मैं कॉलेज की लाइफ इंजॉय करूंगा, अच्छा परसेंटेज लाके मैं कोई बड़ी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूंगा और लाइफ इंजॉय करूंगा, नहीं बच्चे लोग जो दिख रहा है ना आज, अगर वो दिख रहा है ना आपको 3 साल, देखो ये लाइफ का मेरा एक सिंपल फंडा है कि अगर ये 3 साल अगर आपने इंजॉय किया तो नेक्स्ट 30 ईयर 40 ईयर जो भगवान ने आपको दिए हैं वो आपका स्ट्रगल हो जाएगा। अगर ये 3 साल अगर आपने स्ट्रगल कर दिया, आफ्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बात करूं, आफ्टर तीन साल अगर आपने स्ट्रगल कर दिया तो नेक्स्ट 30 ईयर 40 ईयर 50 ईयर जो भी भगवान ने दिया है वो आप क्या करोगे, इंजॉय कर पाओगे, स्टेबल रह पाओगे, क्योंकि आपको खुद को मालूम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना कंपटीशन चल रहा है, कितना कंपटीशन, मतलब कोई भी फील्ड में जाओ कंपटीशन ही कंपटीशन है। और मुंबई जैसे शहर में अगर आपको टिके रहना है तो एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी ही करनी पड़ेगी। अंटिल एंड अनलेस आपका कोई बिजनेस है, तो मैं पप्पा का एंड ऑल का मैं उधर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दम की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने दम पे खड़ा होना है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। पबजी बिबजी डालो पहाड़ में, अभी आपको फोकस करना है 3 साल और ये जो 50 दिन है उसमें ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। चलो बहुत मोटिवेशनल थोड़ा हो गया, यहाँ पे आ जाते थोड़ा स्टडी प्लान, 1 मंथ का स्टडी प्लान, तो जो बच्चों का रिक्वेस्ट आया था मुझे उसको बता देता हूँ, मतलब सभी स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे स्पेशली वो बच्चे के लिए नहीं था, बट हाँ उसके कमेंट मैंने इसलिए दिखाई कि उसने वीडियो डाला था, तो उस मैंने चला डाल देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। यस, सो यहाँ पे स्टडी प्लान है देखो 1 मंथ का, तो पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आप जब भी पढ़ने बैठो, तभी पहला तो देखो हमेशा फिगर आउट करना है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकाउंट्स में इतना वीक हूं तो आपको अकाउंट्स को इग्नोर नहीं करना। बच्चे लोग की एक पहली ड्रॉबैक गलती यही होती है कि उसको जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता या तो मजा नहीं आता वो सब्जेक्ट पढ़ने में, तो उसको इग्नोर करना चालू कर देंगे। मतलब वो अगर सपोज कि कोई बच्चे को OC अच्छा लगता है तो OC पढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं करना है। देखो अगर 90% स्कोर करना है तो आपको कॉमन सेंस सब में 90 मार्क्स लाने पड़ेगा, तो ही 90% आएगा, एक बेसिक फंडा है। एवरेज अगर मैं बात करूं तो चलो ठीक है भाई, अकाउंट्स में अगर 99 आ गया तो और उसी में 80 आ गया तो एवरेज हो जाएगा 90-90, बट अल्टीमेटली तो आपको 90 स्कोर करना है सब सब्जेक्ट में, तो आपको सभी सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी अगर 90% का टारगेट है, 90-95 जो भी मैं बोलूं। तो कोई भी सब्जेक्ट पहले फिगर आउट करो कि किसमें आप वीक हो, उसको ज्यादा क्या करो टाइम दो, ऐसे कि नहीं कि जो वीक है उसको कम टाइम दो। हमेशा पहले बच्चे लोग ये जनरल मिस्टेक होती है, जो वीक सब्जेक्ट में वो वीक होता है उसको हमेशा कम टाइम देता है, वो कम टाइम नहीं वहां पे ज्यादा टाइम देना है आपको। यस, सेकंड है प्रिपेयर टाइम टेबल, अगर आपको टाइम टेबल आपके हिसाब से बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना है तो मैंने इसके बाद वाली स्लाइड में 2 टाइम टेबल्स बनाए हैं, एक मॉर्निंग सेशन सेशंस वाली, जो बच्चे लोग मॉर्निंग सेशंस कॉलेज रहेगी उसके लिए क्या आफ्टरनून में टाइम होगा, और जो जिसकी आफ्टरनून में कॉलेज है उसकी मॉर्निंग सेशन में क्या टाइम टेबल्स होगी, मतलब थ्रू पूरे दिन की क्या प्लानिंग होगी। जो 6 से 8 घंटा मैं बोलते आ रहा हूँ कि आपको अभी से 6 से 8 घंटा मिनिमम 6 आवर तो पढ़ना ही है, अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपकी कैपेबिलिटी है और शाबाशी है। यस, चलो ऑलवेज स्टडी 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, देखो हमेशा 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके पढ़ना है, एक दिन पे आप एक सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ सकते, आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक साथ में लेके चलो प्रैक्टिकल और एक साथ में चलो क्या चलो थियरी, तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन बना के रखना है। अगर आपको मैथ्स है तो ऑफकोर्स, और अकाउंट्स तो सबको ही है, मैथ्स वाले ठीक है उसको पास SP ऑप्शन है, जो मैथ्स नहीं लिया उसके पास SP के साथ उसके पास एक ही ऑप्शन में रहेगा जो है अकाउंट्स। बट अगर मैं बात करूँ जिसका मैथ्स और अकाउंट्स है तो उसको ये कॉम्बिनेशन अच्छा से बैठ जाएगा कि भाई वो हमेशा उसी के साथ अकाउंट्स रखे, इको के साथ या तो क्या रखे मैथ्स रखे, तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठेगा क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल में 2 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पास ईयर के पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नो डाउट मैंने भी एक कमिटमेंट तुम लोग को दिया है कि मैं भी पास ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, अभी जनवरी से ही अपन क्या करेंगे, 15 जनवरी जैसे जाएगी थोड़ा बहुत मेरे को जो रिवीजन सेशन है वो खत्म हो जाएगा, वैसे ही मैं क्या करूंगा तुम लोग के लिए इको OC SP अकाउंट्स एंड सबके लिए मैं क्या करके लेके आऊंगा पेपर सॉल्विंग जो लास्ट 3 साल का है। देखो जब भी आप फाइनल मैच खेलने जाते हो ना तो पहले देखने का कि फाइनल मैच जो
पिच बनाया है। देखो आप देखते जाते हो कि जो पिच बनाते हैं ना, तो भी बड़े बड़े प्लेयर रोहित शर्मा पिच देखने जाता है कि भाई पिच कैसी है। तो सेम लाइक अगर आप मैच देख मैच मैच के अंदर उतर रहे हो, मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो उससे पहले देखो कि पास्ट में पिच कैसी थी, पिच मतलब पेपर्स कैसे सेट हुए हैं। अगर पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं देखे तो मतलब 10 से 12 मार्क्स लिख के ले लो, मेरी गारंटी है 10 से 12 मार्क्स आप लॉस खाओगे। ये मेरा ओपन चैलेंज है आप लोग को। अगर जो बच्चे लोग लास्ट के 3 ईयर्स में, ऐसे नहीं बोला 10 साल का सॉल्व करो, 3 साल का पेपर सॉल्व करो, अगर 3 साल का पेपर सॉल्व किए बिना गए नहीं गए तो लॉस ही लॉस है उसके लिए। 10 से 12 मार्क्स मतलब ओवरऑल सभी पेपर में मिला के 10 से 12% का डिफरेंस आ जाएगा। जहां आप डिजर्व करते थे 80% 90%, वहां पे अटक के आ जाओगे 80-70 पे। तो ये गलती नहीं करना, ये मैं चिल्ला चिल्ला के एवरी लेक्चर्स में बोलते आ रहा हूँ। यस, अभी यहाँ पे थोड़ा देखते हैं टाइम टेबल्स क्या होंगे। अगर बात करूँ कि जिसके आफ्टरनून में कॉलेज है, देखो जनरली जूनियर कॉलेज मॉर्निंग भी होती है और आफ्टरनून में होती है, तो इसलिए मैंने 2 टाइम टेबल बनाया। आपको जैसे आपके कॉलेज के हिसाब से आप क्या कर लेना, टाइम टेबल फॉलो कर लेना। अगर सपोज की देखो आफ्टरनून की कॉलेज है, तो प्लीज बच्चे लोग आपको 5 बजे अभी उठ जाना है, कुछ भी हो जाए उठ जाना है अभी। अगर अभी उठे नहीं तो उठ जाओगे, मतलब परसेंटेज वाइज उठ जाओगे। या तो प्लीज आप क्या करिए, आप 5 बजे अपना अलार्म रोज रख दीजिए। संडे हो क्या, आराम करूंगा सर, संडे है नहीं, अभी कोई संडे कोई छुट्टी पब्लिक हॉलीडे आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। 50 डेज है आपके हाथ में, आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको इसके अंदर और आर्स ऐड करते जाना है, क्योंकि आपके कॉलेज में से छुट्टी मिलेगी। अभी तो मैंने क्या एंगल से सोचा है कि अभी आपकी कॉलेज चालू है, ऐसा अज्यूम करके मैंने टाइम टेबल दिया है। जब भी आपको प्रीलियम्स हो जाएगी उसके बाद छुट्टी है, उसके बाद आपको दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सिंपल है, ऐसा कोई इतना आपको मैंने देखो इतना स्ट्रेस भी नहीं दिया। देखो यहाँ पे दिखोगे कि अगर अज्यूम करो कि आपके आफ्टरनून की कॉलेज है, तो मॉर्निंग में आप फ्री हो, मॉर्निंग वाला पूरा सेशन आपके लिए अच्छा है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना है, मतलब उठ जाना है 5 से 8। आपको क्या करना है, 3 घंटा ऐसे स्टडी करनी है। देखो ये 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एनर्जी देता है आपको और माइंड आपका भी ना पूरा कॉन्सेंट्रेट में रहेगा। मैं जब भी सी एस था ना, तभी भी मैं 4:30 बजे उठता था, क्योंकि 4:30 से 8 बजे में जितनी स्टडी मेरी होती थी उतनी स्टडी मेरे थ्रू आउट द डेज में नहीं होती थी। मतलब मैं डेज में 8 से 10 घंटा पढ़ता था, पर वो 3 घंटा 3 साढ़े 3 घंटा पढ़ता था, वो मेरी डबल स्टडी हो जाती थी। क्यों, ना तो सोशल मीडिया डिस्टर्ब करने वाला है, ना पूरा शांत रहेगा, कोई घर में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये 3 आवर्स इतने इंपॉर्टेंस हो गए, मतलब आपके दिन में जितना पढ़ोगे उतना आप 3 घंटे में पढ़ सकते हो, 3 आवर्स में पढ़ सकते हो। तो ये वाला सेशन स्किप मत करना, उठना पड़े, ठंडी है सर, नींद बहुत आती है भाई, नो एक्सक्यूज, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर आपको 90% स्कोर करना है तो प्लीज जो मैं बोलते आ रहा हूँ फॉलो करते जाइए, 90 टच करवा दूंगा। बट हाँ, आपको क्या करना है, फॉलो करना। मैं यहाँ पे भगवान नहीं हूँ, मैं देखने नहीं आ रहा हूँ आपके घर पे क्या फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट मैं बिलीव कर सकता हूँ कि जो बच्चे लोग मेरे देख रहे हैं, प्यारे बच्चे लोग मेरे फैमिली वाले, उसका मैं बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ बच्चा मेरा फॉलो करेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया। यस, तो 3 घंटा 3 आवर्स यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रेक लेना है 8 से 9, वहां पे ब्रेकफास्ट करना है। सुबह भी जब भी पढ़ने बैठोगे तभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करके बैठना, हल्का सा फ्रूट खा लेना है। और उसके बाद 1 घंटा आपको क्या करना है, वापस से 8 से 9 आपको प्रॉपर ब्रेक लेना है। थोड़ा सोशल मीडिया देखना है तो देख लो, पर इतना मत घुस जाना कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपके माइंड में वो ही चलता रहे। यस, और बाद में आ जाएगा वापस से 9 to 10:30, 1.5 घंटे का सेशन होगा। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपका कॉलेज रहेगा, आप वापस से कॉलेज के लिए रेडी हो जाओगे, थोड़ा फ्रेश होगे और जाने के लिए निकलोगे ट्रैवलिंग। अगर कॉलेज दूर है तो ऑफकोर्स आपको टाइम 12-12:30 बजे 1 बजे की कॉलेज रहेगी, तो आपको 11-11:30 बजे तक तो निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग सेशन में आपको देख रहे हो तो भी नहीं तो आपको देखने जाओगे तो 4.5 घंटे की स्टडी हो रही है। यहाँ पे कितने घंटे की सर, 4.5 घंटे की स्टडी हो रही है। उसके बाद अगर शाम के आओगे, रात को आओगे, तो ऑफकोर्स 6-7 बजे आप छूटे हुए सर एग्जाम 6 बजे छूट जाते हो, बाद में आते आते आपको 7 बज जाएगा। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, अभी देखो कॉलेज के बाहर जरा भी टाइम पास नहीं करना है अपने फ्रेंड सर्कल, भाई उसको बोल बाद में अपन फोन पे बात कर लेंगे, अभी मेरे को निकलना है, ठीक है, प्यार से बोल देना है। 7 बजे आपको घर पे टच हो जाना है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करना है, भूख लगे थोड़ा
माइंड को रिलैक्स करो, उसके बाद आपको 8 से 9 क्या करना है, स्टडी करना है, 1 घंटा क्या करना है आपको स्टडी करना है, बाद में 9 बजे आपको वापस से डिनर के लिए थोड़ा ब्रेक लेना है, 9 से 10 क्या कहिए आप थोड़ा अपने आप को दीजिए, एक पबजी की गेम खेल लीजिए जिसको पबजी अच्छी लगती है, और जिसको दूसरी कोई गेम्स अच्छी लग रही तो वो कर लीजिए, थोड़ा सोशल मीडिया पे टाइम पास कर लीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, 9 से 10 एक घंटा प्रॉपर मिल रहा है आपको पूरा वापस से रिफ्रेश होने में। उसके बाद 10 से 11 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि 10 से 11 वाला जो टाइम होता है वहां पे आप खाना खाया रहता है तो थोड़ा आलसीपन आना लगता है, और आप अगर थियरी पढ़ोगे तो सो जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप जो पढ़ रहे हो वो वेस्ट हो, एटलीस्ट जो ये 1 आवर्स भी आप पढ़ रहे हो, मैं तो बोलूँ अकाउंट का एक फाइनल अकाउंट का क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन क्या करो, फाइनल अकाउंट का सॉल्व करो, या तो पार्टनरशिप का सॉल्व करो, मतलब एक घंटे में आराम से हो सकता है। तो रोज का अगर एक एक क्वेश्चन भी करोगे तो 50 क्वेश्चन होते हैं। अरे भाई पागल हो क्या बोल रहे हो सर, यस 50 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपका, और आप इतना कंसेप्ट में स्ट्रांग हो जाओगे। एक दिन पार्टनरशिप का ले लो, एक दिन फाइनल अकाउंट ले लो, एक डेथ ले लो, एक रिटायरमेंट पे ले लो, अगर एक एक क्वेश्चन एनपीओ पे ले लो, एक एक क्वेश्चन भी किया तो 50 क्वेश्चन होते, मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है, वो साइकिल वापस से रूटीन करते रहिए। तो बहुत ये वाला आर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करना है, थियरी करने मत जाना बच्चे लोग, वरना आप सो जाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे बच्चे लोग को सुन के। यार अगर समझ के फॉर एग्जांपल जिसका मॉर्निंग में कॉलेज है तो उसके लिए क्या, तो भी देखो यहाँ पे नहीं देखो कितने घंटे की स्टडी हो रही है, 3 आवर्स 4.5 हो गया, 4, 5, 6, 6.5 मतलब 6.5 घंटे का मैंने एक टाइम टेबल दिया है, जो इजिली आप फ्रेंड के साथ भी रह सकते हो, थोड़ा आप गेम्स के लिए भी हो गया, सोशल मीडियाज भी हो गया, तो भी 6.5 घंटा, और कॉलेज भी जा रहे हो आप, मतलब अगर कॉलेज नहीं जाते तो इसका भाई जो जो 6 घंटा आप कॉलेज में दे रहे हो उसमें से अगर जब प्रीलिम्स के बाद आपको छुट्टी रहेगी तभी आपको 10 घंटे तो आप आराम से पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई प्रेशर से नहीं पढ़ना है, थोड़े थोड़े एक एक 2-2 घंटे के बाद क्या करना है आपको ब्रेक लेना है। देखो ह्यूमन टेंडेंसी क्लियर है कि आप 40-45 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट से पढ़ सकते हो, उसके बाद हल्का सा 5 मिनट का ब्रेक लेना है वापस से, उसके बाद आपको क्या करना है वापस से स्टार्ट कर देना। बट हाँ जब भी बैठोगे तो 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम पकड़ के चलो आपको बैठना है कंटिन्यूअसली। यार चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिसकी मॉर्निंग सेशंस कॉलेज है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वन सेकेंड उसको 5 बजे तो उठना ही है, 5 से 6 एक ही घंटा उसको क्या करना है पढ़ाई करनी है। अभी वो 5 से 6 में वो क्या करेगा वो उसको सोचना है, मैं तो बोलूँ थियरी करना, प्रैक्टिकल रात को ही रखना है। वन सेकेंड यहाँ पे भी देखो 9 to 11 उसको प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल साथ साथ ऐसा रहेगा तो आप उसी का भी आधा चैप्टर इकोनॉमिक्स आधा चैप्टर जो छोटा चैप्टर से जो आपको लग रहा है कि 1 घंटे में हो सकता है तो 1 घंटे में वो करना और 1 घंटे पे प्रैक्टिकल करना, मतलब 9 से 11 पहले यहाँ पे बात कर ले तो 5 से 6 एक ही घंटा उसको पढ़ना है, वापस 6 बजे के बाद उसको फ्रेश हो जाना है, नाश्ता विशा कर रहा है और कॉलेज के लिए निकल जाना, साथ साथ साढ़े सात की कॉलेज रहेगी तो बाद में आ जाता है वो आएगा डायरेक्ट सेकेंड हाफ में, क्यों पूरा फर्स्ट हाफ तो उसका कॉलेज जाएगा, आएगा 1 बजे खाना खाएगा, थोड़ा रिलैक्स कर लेना, बाद में आधा 1 घंटे की क्या कर लेना नैप ले लेना, सो जाना आधा 1 घंटा ही सोना, बाद में 5 बजे मत उठना, आधा 1 घंटा मतलब 3 बजे से पहले उठ जाना है, अगर जितना जल्दी हो सके फटाफट खाना लिपटा लेना, और 3 से 5 आपको क्या करना है स्टडी करना है, 2 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा स्टडी करना है, 5 से 6 वापस से आपको ब्रेक लेना है, आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके अंदर, वन सेकंड सोशल मीडिया फ्रेंड से बात हो जाएगी आपकी, जो करना है आप कर सकते हो 1 घंटे के अंदर, बाद में 6 से 7.5 वन सेकंड आप क्या करोगे 1.5 घंटा स्टडी करोगे, स्टडी मतलब कंप्लीटली स्टडी करोगे, 7.5 से 9 दिया है मैंने टाइम तुम लोग को डिनर के लिए, पबजी के लिए, गेम्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, जो करना है स्नैप भेजना है जो करना है करो, 1.5 घंटा आपको क्या दिया मैंने वन सेकेंड 7.5 से 9 आप देखो तो टाइम दिया है यहाँ पे, 9 से 11 वन सेकेंड आपको प्रैक्टिकल करना है और प्लस आप क्या कर सकते हो थियरी भी कर सकते हो, पर प्रैक्टिकल जरूर करना है 1 क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो तो नहीं तो 6-6.5 घंटे की स्टडी हो ही रही है, 1 घंटा ये हो गया, 2, 3, 3 और 4 और 5, 6, 6.5 मतलब एग्जैक्ट 6.5 घंटे उनका भी हो रहा है, मतलब जिसका आफ्टरनून कॉलेज में और जिसका मॉर्निंग सेशन है उसका भी 6.5 घंटे का स्टडी हो रहा है दिन का, और ग्रेट इनफ है। अभी 6.5 घंटा चालू कर दीजिए, जैसे कॉलेज बंद हुई प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हुई उसके बाद ये 6.5 से 8, 8.5 जाने में टाइम मत लगाना, जितना हो सके क्या करना पढ़ाई शुरू कर देना। कहाँ पे भी अटक रहे हो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर मेरी ये एक ख्वाहिश है, आप मुझे ये समझा दो, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपकी जो भी कमेंट्स रहेगी मैं हमेशा उसके रिप्लाई देने की जरूर ट्राई करता हूँ। हाँ ठीक है कभी मैं बिजी रहूँगा तो कभी लेट फास्ट हो जाएगा या तो स्किप हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा
कॉन्फिडेंस से नहीं बोला कि हर बार मैंने जवाब दिया, बट हाँ 95% मेरा टारगेट होता है कि बच्चे का जो भी कमेंट्स आए, जेन्यून कमेंट्स आए, उस पर मैं रिवर्ट करूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़े बहुत समझ गए रहोगे अभी करना क्या है, सब पाथ रेडी, अभी स्टार्ट कर दो आज से विदाउट एनी टाइम वेस्ट, और 31st है आज, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लो, कल से ये टाइम शेड्यूल क्या करना है आपको चालू कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं, जय श्री राम एंड राधे राधे, थैंक यू सो मच।